जो आपने प्यार हमें दिखाया है वापस प्यार करके, और आपको आई लव यू कह सकता हूँ, आई लव यू टू। नवाज के बाद जरदारी का भी आवाम को पैगाम मोहब्बत। तलागंग में जलसायाम से खिताब में कहा कि उन लोगों को हुकूमत चलाने का अंदाज ही गलत है, ये ना आवाम के मसाइल समझते हैं ना किसानों को उनकी फसल का मुनासिब रेट देना चाहते हैं। हम ये सूरत हाल बनाएंगे कि दुबई नहीं आवाम यहीं कमाएंगे। अपने दौर में तनख्वाहें 100% बढ़ाएं, आज 4 गुना तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ तो भी महंगाई ज़्यादा है। कराची में रात की बारिश के बाद कराची और लाहौर का मवाजना हो गया है। कारकर्दगी पर मनाजरों के चैलेंज करते बिलावल को शहबाज शरीफ का जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कल रात कराची में ठाटे मारता समंदर तबाही का मंजर पेश कर रहा था, माएँ बहनें घुटने घुटने पानी से गुजर रही थीं, गाड़ियां फंसी हुई थीं। कराची जैसी सूरत हाल लाहौर की होती तो बिलावल को कहता मेरे हल्के से लड़ें, मैं इलेक्शन छोड़ देता। कराची में चंद घंटे की बारिश ने कई घंटों के लिए मामूलात ज़िंदगी मुअत्तल कर दिए। रात भर बारिश में फंसे रहने वाले लोग सुबह घरों को पहुंचे। कल की हुई बारिश के बाद गायब होने वाला बल्दियाती अमला भी आज कहीं कहीं नजर आया। मरकजी शराओं से ज़्यादातर पानी की निकासी कर दी गई। आज भी मुतादद इलाकों में कुछ देर को तेज़ बारिश हुई, लेकिन अब मजमू तौर पर सूरत हाल काबू में, ज़्यादातर इलाकों से पानी की निकासी कर दी गई। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, निकासी आप के कामों का जायजा लिया। कहा शहर की कई सड़कों से बारिश का पानी निकाल दिया गया। निगरान वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग में बताया कि एमेजना रोड, आया चुंदीगढ़ रोड, लियारी के कुछ इलाकों में पानी था, नर्सरी, सिंध सेक्रेटेरियट, सदर और दीगर इलाकों में पानी जमा हो गया था। वाटर बोर्ड की मशीन लगवाकर बरसाती पानी की निकासी की गई है। इस वक्त शहर की अहम शराएँ साफ हो चुकी हैं।